भव्य दिव्य अलौकिक। मंदिर के स्तंभ से लेकर शिखर तक ये सनातन के विराट वैभव का प्रतीक है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, ये दो मुल्कों की दोस्ती, दो सभ्यताओं के ये अस्तित्व और वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना का साक्षात प्रमाण है। अबू धाबी में बने इस विराट मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सनातन के जय घोष का दूसरा बड़ा मौका है और इस मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी। पीएम मोदी आज अबू धाबी में बने विराट बीएपीएस मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। 27 एकड़ में फैला हुआ यहां 10,000 भक्त एक साथ आ सकते हैं। मंदिर में 13 एकड़ की पार्किंग है। 700 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 25,000 से ज्यादा पत्थरों को तराश कर मंदिर तैयार किया गया। मंदिर को बनाने के लिए कारीगरों ने जो मेहनत की वो इसकी अद्भुत वास्तुकला में दिखती है। ये मंदिर भारत और यूएई की दोस्ती की मिसाल है। इस दोस्ती की बानगी मंदिर के दीवारों पर उकेरे गए घोड़े और ऊंट जैसे जानवरों की नक्काशी में भी दिखती है, जो संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व करती है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हां कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। दो देशों और दो सभ्यताओं की दोस्ती की बुनियाद पर खड़े इस मंदिर का निर्माण यानी बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने कराया है। ये संस्था भगवान स्वामी नारायण के अनुयायियों से जुड़ी है। यूएई की तरफ से दान में जमीन मिलने के बाद 2019 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। अब 5 साल बाद 2024 में वो खड़ी आ गई जिसका इंतजार यूएई में रहने वाले लाखों सनातनियों को था। प्रार्थना के बल से आगे ऊपर पूरा एनवायरनमेंट बदला, एटमॉस्फेयर बदला। और जो दो हमारे नेता है, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द रूलर ऑफ अबू धाबी नाउ एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी, उनकी मैत्री बढ़ी और उससे आगे बढ़कर ये जमीन प्राप्त हुई। वो ये मंदिर जो बना है उसके पीछे हमारी एक ही भावना है कि सबकी श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े और सबके अंदर संवादिता बढ़े। अबू धाबी में इस मंदिर को बनाने के लिए हर जरूरी बात का ख्याल रखा गया है। चूंकि ये इलाका रेगिस्तानी है और यहाँ गर्मी भी प्रचंड पड़ती है, इसलिए मंदिर बनाने में गुलाबी बलुआ पत्थरों को चुना गया और ये पत्थर राजस्थान से अबू धाबी लाए गए हैं। दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। अब इस मंदिर से जुड़ा सबसे दिलचस्प तथ्य है कि सात शिखर, मंदिर के सात शिखर पर अलग अलग देवताओं से जुड़ी कहानियां और प्रतीकों को दर्शाया गया है। लेकिन सात अंक का यहां एक और महत्व है। दरअसल यूएई सात अमीरात यानी सात रियासतों से मिलकर बना है। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए ये मंदिर में सात मीनारें बनाई गई हैं। इसके साथ ही मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं। मंदिर में भगवान स्वामी नारायण के साथ ही भगवान राम सीता, राधा और कृष्ण, शिव और पार्वती, हनुमान, जगन्नाथ और अयप्पा की मूर्तियां हैं। यानी आस्था के हर स्वरूप के दर्शन इस मंदिर में होंगे। आज लोकार्पण के बाद 18 फरवरी से मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे।